पाकिस्तानी सेना और चीनी नागरिकों पर भयंकर हमले कर दांतों तले चने चबवाने वाले बलूच उग्रवादी संगठन BLA ने ईरान पर बड़ा हमला कर तहलका मचा दिया है। दरअसल इस विद्रोही संगठन ने ईरान के सिस्तांबन व बलूचिस्तान प्रांत के एक पुलिस मुख्यालय पर भीषण हमला कर दिया है और ईरान की सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है कि बलूच उग्रवादियों ने ईरान के पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया जिसमें 11 सैनिकों की मौत हो गई है। सरकारी टेलीविजन ने कहा कि बलूच उग्रवादियों ने दक्षिण पूर्वी ईरान के एक पुलिस स्टेशन में ये हमला किया। हमले में कई सैनिक घायल भी हुए। ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि इस हमले के बाद सिस्तान बलूचिस्तान के गरीब प्रांत के रस्क शहर में आतंकवादी समूह जैश अल अदल के साथ सैनिकों की झड़प भी हुई। इसमें कई आतंकी मारे गए हैं। ईरान शिया बहुल मुसलमानों का देश है लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से लगे रस्क प्रांत में सुन्नी मुसलमान बहुसंख्यक हैं। यहाँ लंबे समय से सुरक्षा बलों और सुन्नी आतंकियों के बीच झड़प होती रही है। यहाँ ड्रग्स तस्करी भी खूब होती है जिसे रोकने के लिए पुलिस और तस्करों के बीच झड़पें भी आम हैं। आतंकवादी समूह जैश अल अदल का कहना रहा है कि देश में बलूच अल्पसंख्यक हैं और वो उनके अधिकारों के लिए लड़ता रहेगा। आतंकी समूह का कहना है कि वो बलूचियों के बेहतर जीवन के लिए सरकार से अपनी लड़ाई जारी रखेगा। समूह ने रस्क प्रांत में ईरानी सुरक्षा बलों पर हाल के सालों में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। बलूच लोगों की आजादी की मांग BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी करता है और पाकिस्तान आने वाले बलूच क्षेत्रों को शामिल कर एक अलग बलूच देश बनाना चाहता है। BLA पाकिस्तान सुरक्षा बलों पर कई हमले कर चुका है। CPEC बलूचिस्तान से होकर गुजरता है और BLA इसके बिल्कुल खिलाफ है। वो नहीं चाहता कि चीनी सेना बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह का प्रयोग करे। BLA हमेशा से अपनी मांगों को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ती आई है लेकिन पिछले 4 सालों में ये संगठन पूरी तरह से चीन के खिलाफ हो गया है। वैसे ये सच है कि जो चीन पाकिस्तान से खनिज निकाल रहा है वो प्राकृतिक संसाधन बलूच लोगों का है न कि पाकिस्तान और पंजाब फौज की है। बलूच लोग पाकिस्तानी सेना के एजेंटों के खिलाफ भी है। इन एजेंटों को बलूच लोगों का प्रतिनिधि कहा जाता है लेकिन असलियत में वे पाकिस्तानी सेना के एजेंट है। वे हमेशा मक्कारी करते हैं। वे बलूच जनता के प्रतिनिधि नहीं है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में बलूचों ने चीन के इंजीनियरों पर कई हमले किए हैं। इन हमलों में अब तक कई पाकिस्तानी सैनिक और चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। चीन और पाकिस्तान मिलकर ग्वादर में CPEC प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसका मकसद बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को लूटना और चीन को सीधे हिंद महासागर तक पहुंच मुहैया कराना है। खैर अब जिस तरह से ये संगठन पाकिस्तान से बाहर निकलकर हमले कर रहा है उसे लेकर अब ईरान भी टेंशन में आ गया है। देखना ये होगा कि क्या BLA पर वापस जवाबी हमला करेगा ईरान। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।